Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल है बिकॉज इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, वेदर इट इज अ हॉस्पिटल और एन इंस्टीट्यूट और एन ऑफिस. एवरीवन इज यूजिंग द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड अस विद इजी मोर इफेक्टिव सॉल्यूशन टू एवरीडे लिविंग. विदाउट टेक्नोलॉजी वी कुड नॉट कम्युनिकेट क्विकली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस या हम इजीली अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं. आई थिंक गाइस इंटरनेट सर्विस इज समथिंग वी कांट लिव विदाउट. वी यूज द इंटरनेट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, स्पेशली इन ऑनलाइन एजुकेशन या किसी वर्कर ने क्लाइंट के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करने हो थ्रू इंस्टेंट मैसेज या हमने कोई ऑर्डर करना हो और समथिंग एल्स. बट कीप इन माइंड पॉजिटिव यूज ऑफ इंटरनेट मेक्स आवर लाइफ easy and simple, especially for students, because COVID की जो situation है पूरी दुनिया में, हमारी education, हमारे office work सब कुछ online है. So it is a best platform where student can increase their knowledge and skill. और सबसे important ये चीज़ है कि इस knowledge को अपनी daily life में implement करें. But choosing the right internet service is a major decision because हमारी daily routine में maximum work internet के through हो रहा है. और कुछ बिजनेस तो वर्क बिल्कुल नहीं कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट. ग्रोइंग नंबर ऑफ होम यूजर आर यूजिंग द इंटरनेट एज ए मेजर सोर्स ऑफ फ्रीडम इन एडिशन टू देयर बिजनेस डिमांड. सो गाइस देयर आर फ्यू थिंग्स यू शुड कंसीडर व्हेन सिलेक्टिंग एन ISP फॉर योर बिजनेसेस फॉर योर होम. फर्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ कनेक्शन. बेसिकली हमारे पास टू टाइप के कनेक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड एंड हाई अवेलेबिलिटी सर्विस. फर्स्ट वन इंक्लूड केबल, DSL एंड टिपिकली ऑफर हाई स्पीड बट लोअर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस. और ये मोस्ट केसेस में चीपर होती है. बट हाई अवेलेबिलिटी क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइड अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉर अप टाइम दैट यूजुअली एक्सीड 99.9%. इट इंक्लूड T1s एंड न्यू फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन. एंड इफ यू लिव इन पॉपुलेटेड अर्बन एरिया देर इज मोस्ट लाइकली अ वराइटी ऑफ प्रोवाइडर एंड कनेक्शन चॉइसिस इंक्लूडिंग सेटेलाइट केबल DSL. बट अगर आप किसी गांव के एरिया में रहते हैं योर चॉइसेस माइट बी मोर लिमिटेड. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स अवेलेबल बिफोर यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द की फैक्टर टू कंसीडर. मे बी जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पे केबल नेट ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एरिया. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन हाउ मच स्पीड यू नीड बेस्ड ऑन द अवेलेबल ISP ऑप्शन इन योर एरिया. बिकॉज मैक्सिमम लोग कहते हैं हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए. बट गाइज आई सजेस्ट यू सबसे पहले आप डिटरमिन करें आपको कितनी स्पीड की जरूरत है. यू हैव टू कंसिडर हाउ मेनी पीपल विल बी यूजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम. गाइज बिलीव मी विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन यू इजिली डिटरमिन द एप्रोप्रिएट स्पीड इन हेल्प सेव मनी एट द सेम टाइम. नो डाउट हाई अवेलेबिलिटी सर्विस कम विद अ हाई प्राइस टैग एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शन एंड सर्विस एरिया. सो गाइज वेन एवेल्युएटिंग द कॉस्ट इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक बियॉन्ड द पैकेज प्राइस या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मंथली कितने परसेंट टैक्स चार्ज किया जाएगा. डेटा दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज दैट एसेंशियली डिटरमिन हाउ मच इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेंट यू कैन सेंड एंड रिसीव. वेन इट कम्स टू डेटा यूसेज अ लॉट ऑफ सेम थिंग्स शुड बी कंसिडर एज वेन डिटरमिनिंग स्पीड बिकॉज मैक्सिमम ISP की एक लिमिटेड डेटा ऑप्शन होती है. अगर आप उससे ज़्यादा एक्सीड करोगे तो आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने होंगे. एज कम्पेयर टू कुछ ISPs आपको अनलिमिटेड डेटा के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं बट उनके चार्जेस लिमिटेड डेटा के ऑप्शन के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं. सो गाइस टोटली डिपेंड ऑन योर नीड्स कि आपकी सर्चिंग किस तरह की है, आप डाउनलोडिंग किस तरह की है. इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि आपको कितनी डाटा की लिमिट चाहिए या आपको कितनी स्पीड में चाहिए या किस कॉस्ट पे चाहिए. एंड अदर फैक्टर दैट यू नीड टू थिंक अबाउट व्हेन चूजिंग एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अनरिलायबल इंटरनेट कनेक्शन में भी आपके लिए इनकन्वीनियंट हो क्योंकि आजकल मैक्सिमम वर्क इंटरनेट के थ्रू है. कोविड की सिचुएशन में मैक्सिमम ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम है या स्टूडेंट्स एजुकेशन इंटरनेट के थ्रू ले रहे हैं या मैक्सिमम चीज़ें जैसे कि कोई सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा है वो भी इंटरनेट के थ्रू है. तो इन सब लोगों के लिए रिलायबिलिटी, डेटा, स्पीड, कॉस्ट बहुत मैटर करती है. डिफरेंट टाइप्स के इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास मौजूद हैं. DSL दिस सर्विस इज डिलीवर थ्रू योर फोन लैंडलाइन. और इसकी सबसे एडवांटेज ये है कि आप फोन को यूज़ भी कर सकते हैं इवन व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट.
DSL is a form of broadband communication which may use phone lines and fiber optic for transmission. और आपको इसके charges monthly pay करने होते हैं. Cable. This is another type of broadband service. It is relatively fast. ये totally depend करता है आपके area पे कि कितने percent users आपके connected हैं. Satellite. कुछ एरियाज में आपके पास जस्ट एक ऑप्शन होती है सेटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर की. वायरलेस हॉटस्पॉट, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है और मैक्सिमम प्लेसेस पे हमें ये फैसिलिटी दी जाती है लाइक एयरपोर्ट में, कैफे या कोई होटल में. इफ यू आर इन अ रेंज ऑफ सच अ हॉटस्पॉट, योर कंप्यूटर यूजुअली फाइंड अ कनेक्शन ऑटोमेटिकली. एंड इफ यू नीड अ वाईफाई एक्सेस फॉर अदर डिवाइसेस वेयर देयर इज नो वायरलेस हॉटस्पॉट, यू मे बी एबल टू क्रिएट अ टेम्परेरी वायरलेस हॉटस्पॉट यूजिंग योर फोन. और ये टोटली डिपेंड करती हैं चीज़ें आपके सिस्टम पे, आपका क्या सिस्टम है, वायरलेस सिस्टम है, वायर्ड सिस्टम है, आपकी क्या नीड है, आपका क्या एरिया है. हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की पाकिस्तान में, वाई ट्राइब, ऑप्टिक्स फाइबर, वर्ल्ड कॉल, PTCL, वतीन. एंड PTCL इज द टॉप ISP ऑफ पाकिस्तान. इट कंट्रोल मेजर इंटरनेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री विच इंक्लूड अंडर सी फाइबर ऑप्टिक. करंटली PTCL के सबसे ज़्यादा यूज़र हैं बिकॉज ये डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं लैंडलाइन इंटरनेट TV सर्विसेज एंड इट इंक्लूड वाईफाई राउटर सिस्टम, वायरलेस फैसिलिटी सच एज विंगल, ईवो एंड आल्सो ऑफर स्मार्ट TV ऑप्शन फॉर इट्स यूज़र. अब PTCL की सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इकोनॉमिकल और रिलायबल है. एंड स्टॉर्म फाइबर क्लेम टू बी मोस्ट रिलायबल फाइबर सपोर्टेड होम ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान. स्ट्रॉन्ग फाइबर फेमस अपनी स्पीड की वजह से है बट अभी भी काफी एरियाज में स्ट्रॉन्ग फाइबर की फैसिलिटी मौजूद नहीं है. पाकिस्तान हैज बिकम द थर्ड कम्युनिकेशन मार्केट दैट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. हमारे पास डिफरेंट वेल नोन कंपनीज मौजूद हैं. यूफोन क्लेम ऑफ इट्स बेस्ट नेटवर्क एंड सर्विस, क्लियर साउंड, लोएस्ट कॉल रेट. इट ऑफर्स कस्टमर्स सिंप्लीफाइड टैरिफ विदाउट चार्जेस. It is offering fast growing 3G network. Some of the UPhone offer are 3G prepaid and some are 3G postpaid tariff, SMS service, Intel direct dialing, etc. And the next one, Warid. It is a 7th mobile company in Pakistan. We started commercial operation in postpaid, prepaid, LTE, Glow, mobile paisa, mobile internet and other values added service. Warid is a GSM-based mobile company. It is a company of Abu Dhabi Group, which is a major investor in Pakistan. इससे हमारे पास different well-known companies हैं, जैसे कि हमारे पास Mobilink है, Zonk है, Warid है, Telenor है, जैसे. और Telenor Group is the international provider of about 13 markets in Europe and Asia that provide data, high quality voice, content and communication services. If I conclude this topic, so I can say कि हमें इंटरनेट लगवाने से पहले उसके कुछ फैक्टर्स पे देखना होता है. लाइक सबसे पहले हम किस तरह का वर्क कर रहे हैं, हमारे घर में कितने पर्सन है जो एट द सेम टाइम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, या ऑफिस में कितने पर्सन है जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और किस तरह का वर्क है, बिकॉज आपके डेटा पे, आपकी डाउनलोडिंग, सर्चिंग, ब्राउजिंग, इन सब पे डिपेंड करती है आपकी स्पीड. क्योंकि जिस तरह का आपका वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग हमें स्पीड लेनी होगी. देन आपकी जो स्पीड है उस पर डिपेंड करती है आपकी कॉस्ट. जिस तरह की अगर आप ज़्यादा स्पीड लेंगे नो डाउट उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर आप कम लेंगे बिकॉज सम टाइम आपकी कम स्पीड एफिशिएंट नहीं होता आपके वर्क के लिए, और सम टाइम आपके लिए ठीक होता है, नॉर्मल होता है, यानी कि आप कम स्पीड में भी वर्क कर सकते हैं. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एरिया, ऑन योर डिमांड, ऑन योर नीड्स. आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.